तो अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो भाई अभी सुबह के बज रहे हैं 4:30 और मैं और आप ही उठे हुए थे, तो हमने सुबह उठ के गेट खोल के बाहर का नज़ारा देखा और सोचा आप लोगों को भी दिखाते हैं। देखिए गाइस कितना ज़बरदस्त कोहरा पड़ रहा है हमारे फ्लैट के बाहर और क्या खूबसूरत मंजर है। और ठंड का तो हम आपको बता नहीं सकते कि ठंड कितनी ज़बरदस्त पड़ रही है। तो ठीक है गाइस, आज दिन मंगल का लग चुका है, अभी सुबह के 4:30 बज रहे हैं। व्लॉग स्टार्ट कर दिया हमने आज सुबह सुबह से। अस्सलाम वालेकुम, बगे बज रहे हैं 10:30 और यहाँ पे शगुफ्तावारी और शाइस्तावारी बना रही है नाश्ता। आज इन्होंने मुझे दोनों ने किचन में घुसने नहीं दिया, कह रही है हम बनाएंगे आज नाश्ता, आज तुम रहने दो, आज हमारे खाने का खाओ। हाँ, और शाइस्तावारी बना रही है आलू सब्जी विद अजवाइन पूरी। हाँ, और शगुफ्तावारी बना रही है यहाँ पे टमाटो, खैर मैं टमाटो केचप बना रही हूँ। मैंने बोला था फातिमा से मैं तुम्हारा टमाटो केचप बना कर जाऊंगी आज। फातिमा का नहीं, मतलब टमाटर का, क्योंकि मैं अपने घर पर भी बनाती हूँ। फिर हम क्या करेंगे, फातिमा का बना देंगे तो फिर हम क्या करेंगे। और ये हमने प्याज और अचार का मसाला जीरा हल्का सा फ्राई कर लिया है। मैं यहाँ पर आलू बॉईल कर लिए हैं और इसके बाद बस अब हम मसाला फ्राई करके आलू उसमें डाल देंगे। जब केचप तैयार हो जाएगी तो हम जरूर दिखाएंगे आपको कि शगुफ्तावारी ने केचप कैसी बनाई है। वैसे ये घर पर बनाकर आई थी, कहने लगी मैं तुम्हारी भी बना दूं। मैंने कहा बना दो भाई, अच्छी बात है। टमाटर की केचप। तो गाइस देखिए, हमने यहाँ पे गाने भी चला दिए एलईडी में और शाइस्ता जी ने नाद भी चला दी, लेकिन हमारे ये चारों बच्चे उठने का नाम नहीं ले रहे। यहाँ पे ये जुहान है, राइब, आहिर और रियान सो रहे हैं और यहाँ पे आमना बेगम मोबाइल देख रही हैं। पिटाई होगी बहुत ज्यादा। यूपी वाले सुबह उड़ गए। ये तो बच्चे सवेरे उठ जाते हैं। और गाइस ये देखिए हमारे शीशे पे कितनी ओस जमी हुई है, पानी हो रहा सारे शीशे पे, अभी भी हो रहा है कोहरा बाहर। अरे धूप नहीं निकली आज, है ना। ठंड दिन ब दिन बढ़ती जा रही है कम होने के बजाय। कबूतर वगैरह भी कम ही आ रहे हैं यहाँ पे, सब फैला के डाल दो इधर को। बाहर का नज़ारा देखते हैं गेट खोल के क्या है। सुबह सुबह का तो मैंने दिखाया था आपको सुबह कितना कोहरा हो रहा था। ओहो नहीं, कोहरा तो नहीं है। खैर अब फातिमा तो बारिश का सा माहौल बन रहा है ना। ऐसे लग रहा है आपके बारे में पानी वाली बारिश होगी जहाँ तक मुझे उम्मीद है। आ जाओ बस फ़ौरन देखने भी चली गई, आ जाओ। ठंडोरी जल्दी गेट बंद करो। फातिमा तो पहले से तो काफ़ी होशियार हो गई, जब शादी होकर आई थी हमन ना खेना सीधी। फातिमा बार बार ट्यूबलाइट को देखती रही थी, अजी ये कहाँ से जले हैं, अजी ये कैसे जले हैं। मैंने बब्बो ये बटन है यहाँ से इन्हें दबाओ फिर जलती है ट्यूबलाइट। हाँ, 3-4-5 दफा तो मैंने बताया फातिमा मुँह से खा जाता खाना, बार बार नाक में देती थी। भाई नाश्ते में भी देर है, मैं नहा लूँ, है ना। शगुफ्ता जी क्या बना रहे हो, गाजर का हलवा। ओफो मैं गाजर का हलवा बना रही हूँ। अरे मुझे भी पता नहीं 6 बजे उठा रही थी नहाने के लिए। चलिए चलो यहाँ पे लेडीज के बाद शुरू हो गए, अभी मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे। भाई देखिए हमारी अनाम भी बना रही है नाश्ते में आलू पूरी और सब्जी। सुबह सुबह खस्ता करारा नाश्ता लेके, जिसमें हमारी 3 पूरी और यहाँ पे टमेटो केचप और यहाँ पे बूंदी का रायता, उसके साथ है यहाँ पे मटर की सब्जी और ये है आलू की सब्जी। तो गाइस बड़ा बेहतरीन नाश्ता लगा हुआ है आज, ये दाल बन गई। और इसके जो वो क्या कहते हैं शगुफ्ता जी, इसके बनाने वाले इसके क्रिएटर जो है वो है शगुफ्ता बाजी और शाइस्ता बाजी। और ये वही शगुफ्ता बाजी है जो 2 दिन पहले कह रही थी मैं 1 दिन के लिए आई हूँ। हमने इन्हें जबरदस्ती घेर रखा है, जाने नहीं देने का इन्हें। हमने भी खत्म ही खा ली आज, लास्ट है हमारे यहाँ पर। हमने भी खत्म खा ली, इन्हें जाने नहीं देने के किसी आदमी भी। तो
दोपहर के 3:30 बज रहे हैं और अभी यहाँ पे माहौल जो है ना थोड़ा सा गर्मा गर्म हो चुका है। धूप भी बढ़िया वाली निकल ली है और हमारे यहाँ पे चूल्हा भी जलने जा रहा है यहाँ पे, और इसलिए जा रही है फातिमा मैडम बिना माचिस के। माचिस है नहीं फातिमा, आप जलाओगी कैसे तुम? हैं, माचिस नहीं है हमारे घर में, लाइटर से नहीं जलेगा ये? क्या हुआ तुम्हें, तुम माँ को चढ़ गई? माचिस का पैकेट फातिमा, माचिस उसमें पड़ी हुई है फातिमा। देखो तीलियां बहुत सारी मैंने इसमें देख ली पड़ी हुई, इसमें है तीलियां हैं। हाँ ये तीलियां निकाल लो, अरे इन्हें तो जबान पे फेरो, अभी जल जाएंगी भी ना, उसकी जरूरत थोड़ी डब्बी की। हमारे व्यूअर्स को सब दिखा दो कौन सी दराज में कौन कौन सा कबाड़ भी रखा हुआ हमारे यहाँ, ला दिखा दे जबान पे फेरते हैं। देखो अभी अभी आग लगेगी इसके अंदर, चलो गैस से तीली जलाते हैं, तीली से आग लगाएंगे चूल्हे के अंदर। देख कितना बड़ा काम करने जा रहे हैं हम, डिस्कवरी वाले यहीं आ जाएंगे किसी दिन। एक काम करो लाइन से खड़े हो जाओ यूं करके, यहाँ से लेके चूल्हे से लेके वहां तक खड़े हो जाओ लाइनदारी से। मैं लेती हूं भागने का शौक। हाँ तुम ऐसे भागो लेके, जैसे ओलंपिक की दौड़ मांग लेके भागते हैं ना, दे जरा क्या कर रही है, जल्दी आओ भाग के जल्दी चूल्हा जलाओ यहाँ पे, देख कैसे बेवकूफी भरे काम हो रहे। लाओ 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 तीली लाओ जल्दी, चलो भाई अब कुछ गर्मासा हो जाएगा इलाके के अंदर जब चूल्हा जल जाएगा यहाँ पे। इन्हें कहा था शौक हो रहा था चूल्हा जलाने का, कल वाली शाम बड़ी खतरनाक गुजरी है, तो आज कहने का चूल्हा जला के यहाँ पे मजे लेंगे। मैंने चलो भाई जलाओ। तो गाइस आज हम बनाने जा रहे हैं पाए, और ये पाए जा रहे हैं चूल्हे पे। नमक और हमने इसमें साबुत अदरक डाल दिया है ताकि ये जल्दी से गल जाए। चलो भाई उठाओ चलो चलो मिल गई चलता हमसे। हाँ तो मैं था भगवान आए तो मैं अकेला भी रख देता। अब ये गिरी है, करंट आ रहा है क्या? ऐसे ये देखो झू झू के देख रही हूँ। अच्छा गरम ये देख रहे ना, ये टेढ़ा भी हो रहा है। चलो कभी रोटी ले गए शाम को ही बैठना पड़े, पूरे पाए यही पहले पड़े हो सड़क पे। तो गाइस देखिए यहाँ पे चूल्हे पे रखने से पहले भगोने पे लगा देते हैं तेल और सर्फ। मक्खन सर्फ, मक्खन समझ रहा हूँ, मतलब विम जेल है ये। अच्छा। तो इससे भगोना जो है ना काला नहीं होगा और धुल भी जाएगा जल्दी, काला तो हो जाएगा लेकिन आराम से उतर जाएगा। अगर इंसान को ये लगा के उसके ऊपर बैठा चूल्हे पे वो भी काला नहीं होगा। अच्छा जी ट्राई करके देखेंगे गाइस, मैं खुद ही बैठ के देखूंगा और कौन, एक्सपेरिमेंट के लिए हम खुद ही हैं। मैं समझा कि मक्खन लाई हो तुम और तेल, मैंने कहा इनके पाओं के ऊपर लगाऊंगी शायद। नहीं नहीं ये विम जेल है, विम जेल है। अच्छा एक बात तो बताओ मैडम जी, पीछे कैसे लगाओगे? अभी इधर लगा भी दिया। अच्छा लगा दिया, घुमा दिया भगवान। अच्छा घुमा दिया। तो गाइस पाए पकाने के लिए ना यहाँ पे आप लोगों को एक दुआ भी आनी चाहिए जो कि फातिमा मैडम पढ़ रही है अभी बैठी। फातिमा बता दो कौन सी दुआ है वो, ताकि सही से गल जाए। कौन सी दुआ है? फेर दो रही हो तस्बीह से दिखाना, तस्बीह जल्दी गलने की। फातिमा यहाँ पे तस्बीह फेरी जा रही है भगोने के ऊपर। कौन सी दुआ है पाए गलने की बता दो, तो पढ़ दो इसलिए बैठी हुई तुम यहाँ पे। अच्छा मज़े आ रहे हैं आपके पास बैठ के, मज़े आ रहे हैं हैं। अच्छा तो भाई यहाँ पे 5:30 बज चुके हैं, बस मगरिब का टाइम होने वाला है। चलो जी अभी शाम का नाश्ता करेंगे हम सब। पूरी चटाई बजाओ खोल के, फिर आराम से यहाँ बैठेंगे और पाए के गलने का इंतजार करेंगे। आप ही ने बड़ा चमचम वाला सूट पहन रखा भाई, इसलिए तो पहना मैंने, तू भी लोग मेरा बनाई ले ना। क्या लाइयो खाने के लिए? अरे इसमें जरा सा मजा आता है। दाल चावल? ओहो कुकर उसमें घुसा दिया ले, सीधा ले जाके सीधा चूल्हे में घुसा दिया ले जाके। आजी की कारस्तानी देखो भैया, ये देखो खाना कैसे गर्म हो रहा है हमारे यहाँ पे। खाना गर्म कर रही है भाजी अपना, बहुत बढ़िया फ्राई पैन मिल गया फातिमा, ये इसके अंदर घुसा दिया फ्राई पैन। ये गए दाल चावल क्या है? दाल चावल दही चटनी। ओए होए ये लाए तो थे हम चूल्हा, मगर ये एक तरफ को झुक गया, इसकी माँ ने इसको पोलियो की दवाई नहीं पिलाई, टांग टेढ़ी सी हो गई इसकी, हल्के उसका बनवाई है। तो गाइस आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ज्यादा और वीडियो को शेयर करिए, फिर इंशाल्लाह हम भी चांदी का चूल्हा लाएंगे एक दिन खरीद के बढ़िया बनवा के। चांदी का क्यों, सोने का लाएंगे? चलो फिर सोने का ही ले आएंगे। हाँ आप ही सिपारा पढ़ने आई है बच्ची, छोटी सी बच्ची सिपारा पढ़ने आई है।
चावल खा रही हो? अभी हमने समोसे वगैरह मंगाए, समोसे खाने। इतना बड़ा मंगाना? अरे तो पाए अभी थोड़ी खाएंगे, पाए खाएंगे। रात को 2-3 बजे किसी की ट्रेन निकलवानी है हमें सुबह। नहीं किसी आदमी ने जाने देने का हम तुम्हें। मैं यूँ कह रहा हूँ, कल और मत जाओ, परसों चले जाना। चल परसों नहीं रोकूंगा, बस कल और रुक जाओ। नहीं ट्रेन कल, तुम भी तो देर से सोओगे ना, बस तुम सोते रहोगे। और हम तो तुम्हें 3 बजे रात को पाए खिलाएंगे, और फिर जो ये सोएंगी फिर देखेंगे कैसे उठेंगी ट्रेन के टाइम पे। इनके पाँव में ना मिला के मछली बोल तो नहीं, कल तो इंशाल्लाह जरूर जाना। नहीं ये तो आज जा रही थी गाइस, हमने जबरदस्ती ने मतलब जबरदस्ती पकड़ पकड़ के रोक रहे हैं इनको। नहीं नहीं फिर खाने के बाद जमाल घोटेगी, फिर ट्रेन बाधे पकड़ेगी, लोटा पहले पकड़ेंगी। लोटा पकड़ो नहीं। फातिमा तुम्हारी तस्बीह हो गई, तुम गए चुप चुपो, तस्बीह हो गई पूरी? नहीं चलो पढ़ के दम करो फिर पाँव के ऊपर कर दी। अच्छा ये उसकी भी तस्बीह? हाँ तस्बीह पड़ी जा रही है ताकि पाँव अच्छे बन जाए, अच्छे बने, जल्दी गले, जल्दी गले, अच्छे बने। अब भी नहीं बोली फातिमा, फूक मार दो ना, बस छोड़ो, मार दी। गाइस यहाँ पे रंग बिरंगी चटनी हमारी आ चुकी है समोसों के साथ, और गर्मा गर्म जलेबी। क्या चाहिए छोटा जी, बताओ? मुझे बाउल चाहिए छोटे छोटे वाले, मुझे पता भी नहीं, फातिमा को बताऊंगा। वो ले लो ना, वो रखे हुए वाइट से, वो कैसे हैं? हैं सही है, दो लोग पर वाला धो लेना। तो भाई यहाँ पे गर्मा गर्म समोसे भी निकलने जा रहे हैं, और इधर बन रही है सबके लिए चाय, और यहाँ पे ये कब कर रहे हैं इंतजार हमारी चाय का। आज भाई चाय कब निकालेंगे छोटा जी? चाय बाद में निकालूंगी, चाय पे ठंडी हो जाएगी। हाँ ठंडी हो जाएगी फिर चाय, पहले खाने दो सबको। गरम चाय अच्छी लगती है? हाँ गरम चाय अच्छी लगती है, गर्मी सर्दी के अंदर। चलो हानिया हानिया तो सब में मगन है, सब बच्चे आए हुए हैं माशाल्लाह, सब में मगन है आज, एक दो दिन से बिजी है हमारी हानिया है। भाई हानिया उम्मा कर दो, उम्मा काट रही है, काट लिया हुई, साथ ही कर दो, साथ के उम्मा कर दो, उम्मा कर दो साथ के। देखो इसके नहीं काटा, इसके नहीं काटा, तुम्हारे काट लिया। हाँ भाई पाए कहाँ तक पहुँचे हैं? मतलब है ना, एक एक इंसान यहाँ बैठे रहो, मुझे पहली लग रहा था, मैंने कहा यार ये चूल्हा जो है ना ये झुक रहा है, कहीं ऐसा ना हो ये वजन से गिर पड़े। फातिमा एक काम करो ना, इस पे से उतार के गैस में पका लो। अरे नमाज पढ़ी हमने जब, बस इन्हें बच्चों को दूर रखना भाई। हाँ बच्चों को दूर रखना, हाँ दम तो खैर इस पे आएंगे ये। अरे नहीं भाई नहीं नहीं, नहीं, नहीं ओ बच्चा बच्चा बच्चा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। आप लूडो खेल लो, लूडो खेलेंगे। तो गाइस यहाँ पे अभी 6:05 हो चुके हैं शाम के। चलो भाई हो गया। तो भाई ये चटनी जो है ना, आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा, आपके एरिया में भी ऐसी ही चटनी मिलती है समोसों के साथ? मतलब ये पतली 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 क्यों बनाते हैं, गाढ़ी चटनी नहीं बनाते? और ये मैंने जो सुबह बनाया था टमाटर, हाँ अशोक गुप्ता जी ने बनाया था केचप, देखना इससे बढ़िया तो ये लग रहा है केचप हमारा। और जायके में पता नहीं कैसे करते हैं ये, इतनी पतली पतली। तो भाई किसके एरिया में समोसों के साथ गाढ़ी चटनी मिलती है हमें कमेंट करके जरूर बताएं, फिर हम आएंगे आपके एरिया में समोसे खाने के लिए। चलो दसरान बिछाओ, ये इधर ही बिछाएगा, ये बिछा लो बेड भाई। हाँ हटा दो ये कम्बल वम्बल, फातिमा तुम तो फूकी मारती रहोगी इस पे बैठी भी। मैं कह रहा हूँ गैस पे पका लो यार, हैं नहीं हो जाएंगे, अभी तो खाने में टाइम है, खाने में तो बहुत टाइम है। असल में गाइस हम इस पे ना वजह ये है पकाने की के जायका है, फूक दी ना मेरे तो, तस्वीर पढ़ के फूक दी बात मैंने, मगर हाँ ये है कि ये थोड़ा सा इसमें जायका भी इसी में आएगा। हाँ। है ना चूल्हे की जो तोस होगी ना खुशबू, उससे आएगा मजा। और यहाँ पे आगे ना पूरी तरीके से चलो सर, ये बढ़िया वाली भगोना काला हो गया, आराम से फातिमा आराम से। एक काम करो ना, वैसे तो खैर ये गिरेगा नहीं, जहाँ तक चलो हाँ रखा हुआ। भाई बच्चों सुनो मेरी बात, इधर कोई नहीं जाएगा चूल्हे के पास बिल्कुल भी, ठीक है? ठीक है हानिया नहीं जाना उधर बिल्कुल भी। ऐसे यानी लाइट जलाओ, अंधेरा अंधेरा हुआ, जल गई माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। अब वही ना थोड़ी सी रौनक सी जरा, अब जरा समोसे चमके हमारे, अंधेरे में समोसे भी नजर नहीं आ रहे थे। चाय फ्लास्क में निकाल लो, और कप ले आओ भी ले आओ, जलेबी भी ले आओ, जलेबी निकाल। चलो बच्चों शुरू करो, आ रही यान ले आओ, जलेबी ले आओ, ले आओ जलेबी खोल लो एक और, ना बैठेंगे ना। चलो
चलो भाई शुरू करो, बिस्मिल्लाह पढ़ो। तो भाई बच्चों, हमने प्रोग्राम ये बनाया कि पाए खाएंगे रात को 2-3 बजे, ताकि सुबह आने की ना ट्रेन निकले, और इंशाल्लाह सबको बिल्कुल पुरजोर कोशिश करनी है कि आने की कल की हम ट्रेन और निकलवा दें। हाँ निकलवाएंगे हम जरूर इंशाल्लाह। ठीक है यान, वेल पक्का यूँ कर दो, अंगूठा पक्का बिल्कुल निकलवाएंगे ट्रेन जरूर आने की। नहीं ये ट्रेन में जाते हुए यूँ कर देंगे नीचे को, हम बहुत सारे हैं तो मतलब बांध के डाल देंगे, जो पिताजी पिछले कमरे में पता भी नहीं चलेगा। मियाँ को बुलाएंगे, कहेंगे अपनी बीबी को ले जाओ जुटवा के। हाँ वही बॉब, किसको बॉब कर दिया बॉब? नहीं आपके हाथ से निखा रही वो, अरे समोसे तो मेरी शादी में बनते थे। और कितने? 5 रुपए का नहीं होगा आप ही? नहीं 5 का नहीं होगा। अरे आप शोभता जी, शाइस्ता जी, 1-1 रुपए का तो हम लाए समोसा, इनकी शादी में कहाँ? हाँ 1-1 रुपए का, फिर 1.5 रुपए के 2 हो गए थे, फिर 2 रुपए के 2 हो गए थे। हाँ आप भी 5 रुपए। हाँ शाइस्ता जी आलू की बर्फी जरूर पका दी थी। हाँ एक आलू की बर्फी और एक तहारी, तहारी जरूर बनती थी। आप ही का तो, आप ही का तो गेट पे खड़ो के इंतजार होता था जब आप ही आती थी। ये तो जाता था पहले तो हमारे टाइम। हाँ रोड थोड़ी था, पूछता था जब। हम लोग है ना यहाँ पे एक रील्स बना रहे हैं आप लोगों के लिए, मगर हमने सोचा पहले पाए देख ले गेट खोल के, कभी कोई पाए ले जा हमारे उठा के। इधर वाला गेट लगा हुआ फातिमा, कितने रहेगा ये दिखाना, शक्ल तो दिखाओ इनकी, खोलना। रही है पाए ही कैसे पाए हैं है? है आपको जा रहा। अरे कैसे हो गए, ये तो रेड बनते थे। अरे ये उबले हैं, उबले हैं ये। अच्छा अच्छा सूप पी लो, आपके लिए सूप लाएंगे। अरे कहाँ जा रही हूँ उबले के? यहाँ बता दो बस, वहाँ मत जाना लंबा हो जाएगा वहाँ से। ये मैं तुम्हारे फूफा के लिए सूप लेके जा रही, कल मेरे वो भी गिर गए। वो भी अभी होता है, वो भी अभी क्या होता है हमें क्या पता। कह रही है हमारे वो भी गिर गए। बे पाए हो गए, क्या हो गया ये? मतलब सुबह से शाम हो गई, रात हो गई। हाँ चाहेंगे पाए, वाकई में पाए। अब तो हो गए नहीं हो गए? तो गए यहाँ पे रात के 9 बज चुके हैं इनको पकते पकते। असल में हमने चढ़ा के छोड़ दिया था इनको हल्के हल्के, आज में दम आ रहे हैं। आज वजह ठंड भी नहीं है शोफ्ता जी, है ना? ठंड नहीं है तो इसी वजह से कह रहा हूँ कल रुक जाना तुम, परसों जाना इंशाल्लाह घूम फिर के। नहीं रुकोगे तो तुम जरूर, आज पाए की वजह से रुका लिया तो कल साएं की वजह रुकना, कल साया रहेगा। आज पाए कल धूप भी निकले, कल साया रहेगा देखना तुम। सारी लाइनें व्यस्त हैं, कृपया 3 दिन के बाद फोन करें। अच्छा।
अरे परेशान कर दिया। रफत भाई का फोन आ रहा है शगुफ्ता जी को सुबह बुलाने के लिए। हाँ और वो भी जाने के लिए तमाम मछली जा रही है, हम उन्हें भेजना नहीं चाह रहे। फोरा दिखाना रही बाहर का। गाइस देखिए कितना कोहरा हो रहा है। फुप्पा रुक जाइए आप देखिए। कोहरा बोल रहा है साहब। हाँ नहीं भी सोचा एकदम से आया पता है। सारा कोहरा इधर आसमान की तरफ से आ रहा है। हाँ चार बजे सुबह 4:30 बजे आपके घर में खड़े हुए थे। कितना कोहरा था अभी और कितना कोहरा था। अगर जाना है तो जाए जम्मू सवारी बालकनी में गए ना सुबह 4:30 बजे। आप भी ऐसा गिर रहा था बर्फ की तरफ ऊपर से निकल के। मेरी बात बेइज्जती है, कट कर दो।